हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर में। दोस्त, मेरा नाम है मिथिलेश और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पांचवां चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है संधारित्र कैपेसिटर, ठीक है दोस्त। और इसमें आज हम सबसे पहले बारीकी से एक एक चीजें आपको पढ़ाएंगे, ध्यान से आप देखिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम आपको पढ़ाएंगे चालक की धारिता। आइए समझते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक की धारिता क्या है। तो दोस्त, चालक की धारिता किसे कहते हैं? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, तो आपको सीधा बताना है कि किसी चालक में आवेश रखने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। देखिए यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, लिखा हुआ है आवेश धारण करने की क्षमता या आवेश रखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। अब इसका मैथमेटिकल की बात करें तो किसी चालक में, अगर किसी चालक में जितना ज्यादा आवेश दिया जाएगा उसका जो विभव है उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो यहां से क्या रीजन निकलता है बच्चों, कि अगर किसी चालक पे एक आवेश दिया जाता है क्यू आवेश, तो हम लेट मान लिए कि किसी चालक पे क्यू आवेश दिए, कौन सा आवेश दिए, क्यू आवेश दिए, और उसमें उत्पन्न होने वाला जो विभव है अपना वो भी होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं। अभी हम तुरंत आपको बताएं कि जितना ज्यादा आवेश, अगर किसी चालक पे कुछ आवेश दिया तो जितना अधिक आवेश देगा तो विभव भी बढ़ेगा, ये अगर ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा। तो इससे हमें ये चीज समझ में आता है कि यहां से क्या होगा, ये जो Q है सीधा सीधा समानुपाती होता है V का। यहां से क्या हो जाता है दोस्त कि ये जो Q आवेश है V का, विभव का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। अब जब सीधा समानुपाती होगा तो हम लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू, इसीलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक कांस्टेंट, इस समानुपाती को हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है जो अपना होता है C, C इंटू भी। अब यहाँ पे दोस्त ये C क्या है, तो यहाँ पे हम C पहले फ्री कर लेते हैं, तो C बराबर हो क्या जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा, ये गुना में है इसको इस पार ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाय भी हो जाएगा, और यही अपना चालक की धारिता है। ये जो C है ना, क्षमता है, चालक की धारिता है, ठीक है दोस्त। तो ये अपना क्या निकल गया, चालक की धारिता का फॉर्मूला निकल गया, इसको हम बोलेंगे जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। आप इसे याद कर लें दोस्तों, याद कर लीजिए, बहुत ही काम आएगा, ठीक है। अब हम इसका जो है आपको निकालते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ध्यान से समझिए कैसे निकालते हैं एसआई यूनिट। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है वो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला अपना ये है ना निकला हुआ, सी इक्वल टू क्यू बाय वी। तो यहां पे क्यू क्या है सबसे पहले आप बताइए हमें, तो आपको बोलना है कि सर क्यू जो है अपना आवेश है, और आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्त, पहले हम बता रखे हैं आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहां पे कूलाम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। नीचे अपना क्या है, विभव है। अब विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों, जरा बताना हमें कमेंट बॉक्स में, तो विभव का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो सी बाय वोल्ट, तो इसी को कहते हैं वन फैराड, तो इसको सीधा लिखते हैं, इसी को फैराड कहते हैं, फैराडे, फैराडे, क्या कहते हैं दोस्त इसको, फैराडे कहते हैं। चीजें क्लियर हुआ, इसको क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। तो यहां से क्या निकल गया, आ गया कि चालक की धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है, चालक की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, फैराडे होता है। कोई दिक्कत नहीं, चालक की धारिता खत्म हो गया। अब हम कुछ बताते हैं आपको मुख्य मुख्य बातें जो आपको एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्या क्या पूछता है दोस्त, तो ध्यान देने योग्य बातें, जरा गौर से देखिए। अभी जो ये सारा चीज लिखे दोस्तों, एक माइक्रो फैराड इक्वल टू 10^-6 फैराड, दूसरा नंबर 1 पिको फैराड इक्वल टू 10^-12 फैराड, तीसरा नंबर है 1 नैनो फैराड इक्वल टू 10^-9 फैराड। आप इसको नोट कर लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ दिया करता है, तो आप इन सारे चीजों को याद कर लें। माइक्रो फैराड में कितना होता है, 10^-100, पिको फैराड में कितना होता है, 10^-12 होता है,
नैनो में कितना होता है 10⁻⁹ फैराड होता है। अब ये सारी चीजों को याद कर लें, नोट कर लें, माइंड में सेट कर लें। आपसे कहीं कोई पूछ दिया कि बबुआ बताना जरा माइक्रो फैराड में कितना होता है, तो आप फटाक से माइक्रो फैराड याद रहेगा तो तब ना बोलिएगा 10⁻⁶ होता है, तो ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं क्या है। हाँ तो दोस्त आइए अब हम पढ़ते हैं क्या इसका जो है विमी सूत्र निकालने सिखाते हैं आपको। आइए चालक की धारिता का विमी सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से समझना है बच्चों। विमी सूत्र के बारे में आज हम आपको पढ़ाते हैं, गौर से देखिए। विमी सूत्र निकालते कैसे हैं, सबसे पहले आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि अपना जो फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला हुआ था बबुआ जरा बताना। तो सर फॉर्मूला जो निकला था सी इक्वल टू, हम इसी जगह लिखते हैं सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये निकला हुआ था ना दोस्त, ये अपना फॉर्मूला निकला था ना चालक की धारिता का फॉर्मूला। अब आइए विमी सूत्र निकालते हैं, ध्यान से समझिए। ये अपना क्या है आवेश है, आवेश का सूत्र आपको पता है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ऊपर आवेश है, नीचे है विभव। अब जरा दोस्त हमें बताइए कि विभव का सूत्र क्या होता है, विभव कैसे निकलता है। तो विभव निकालने का क्या बताए थे कि अनंत से लाया गया, लाने में जो किया गया कार्य उसको परीक्षण आवेश से डिवाइड करते हैं तब जाकर के मेरा विभव निकलता है। तो वहां से मेरा क्या हो जाएगा डब्लू, किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये अपना सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा क्यू इंटू क्यू जीरो बाय डब्लू हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्यू का विमी सूत्र एटी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपना क्या है फिर एक परीक्षण आवेश क्यू है, क्यू का ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे फिर एटी लिखेंगे, लिखेंगे ना बच्चों एटी एटी लिखेंगे। अब बटे अपॉन इसके बटे में क्या लिखेंगे डब्लू। अब पता है कार्य का विमी सूत्र क्या होता है बच्चों, तो कार्य का विमी सूत्र होता है एम एल टू टी पर माइनस टू, ये होता है अपना कार्य का विमी सूत्र। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये सारे नीचे में जितने चीज है ना सबको ऊपर ले जाइए आप, तो ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों पता है एम पे पावर यहाँ पे एक है ना अभी वो हो जाएगा माइनस वन, तो एम पे पावर माइनस वन एल पे पावर माइनस टू हो जाएगा ना। ध्यान से देखिए टी पे पावर यहाँ पे माइनस टू है ना, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी पर पावर ओनली टू, लेकिन यहां भी एक टी है यहां भी एक टी है, एक जोड़ एक दो आ दो और यहां का दो चार, तो टी पे पावर फोर हो गया अपना, कितना हो गया बच्चों टी पे पावर फोर। नेक्स्ट बच जाता है ए इंटू ए, और गुना में पावर जुट जाता है तो सबको पता है, तो बबुआ गुना में पावर जोड़ दो तो ए पे पावर टू, ये जो विमा निकला ना दोस्त चालक की धारिता का विमा निकला। उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरह से। अब हम आगे जो बात करेंगे ना बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके आगे थोड़ा संधारित्र के बारे में, किसके बारे में बच्चों संधारित्र के बारे में। अब ये संधारित्र होता क्या है, तो इसका सीधा डिफिनेशन हम बोल सकते हैं बच्चों कि संधारित्र में सीधा कि बिना क्षेत्रफल बढ़ाए उसकी धारिता बढ़ जाती है, न समझ में आया। तो इसका हम सीधा डिफिनेशन ये बोल सकते हैं दोस्त कि किसी चालक के क्षेत्रफल को बिना बढ़ाए, किसी चालक के क्षेत्रफल को देखिए हम यहां पे इसको साफ करते हैं और साइड में लिखते हैं, आप लोग को चीजें ज्यादा समझ में आएगा। देखिए देखिए साइड में लिखा हुआ आ रहा है दिख रहा है आप लोग को, हाँ तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए कि एकदम हम इसकी मूल बातें बताते हैं आपको जो सीधा दिमाग में जाएगा। सीधा ये कि किसी चालक का क्षेत्रफल को बिना बढ़ाए उसकी धारिता बढ़ जाता है, समझ में आया। किसी चालक की धारिता को हम बिना बढ़ाए उसकी धारिता बढ़ जाती है, इसी युक्ति को हम कहते हैं संधारित्र। संधारित्र एक ऐसा वैद्युत युक्ति है जिसमें क्या होता है कि बिना चालक के बिना क्षेत्रफल बढ़ाए, क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगा, तो उसे हम कहते हैं संधारित्र। साफ साफ लिखा हुआ है आप इसे कॉपी में नोट कर लें, ठीक है दोस्त।
इसके आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। संधारित्र का डिफिनेशन आज हम आपको बता दिए, अब संधारित्र का सिद्धांत हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बस इतना करना है कि आपको वीडियो यह कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ इस भाई को दीजिए इजाजत, बाय दोस्तों।